अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन को दबाएं, आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और साथ में मैं अपनी डेली की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है पोहा और हमने इसको एक ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया है। मैं इसमें आपको ये बताऊँगी कि आपका खिला हुआ पोहा कैसे बन सकता है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कड़ी और हरी मिर्च, ड्राई फ्रूट्स और राई ले ली है। सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया है। देसी घी गर्म होने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच राई डाल दी है। राई के बाद हमने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी है और कड़ी पत्ता डाल दिया है। हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बादाम, किशमिश। अब हमने इसको देसी घी में भून लिया है और 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं हमने। प्याज को हमें हल्का फुल्का भूनना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमारे नाश्ते में हम कर रहे हैं। प्याज हमारे हल्के फुल्के भून चुके हैं। अब इसमें हमने 2 टमाटर और 1 शिमला मिर्च डाल दी है। अब हमें टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट करना है, अच्छे से भूनना है। उधर हमने अपना पोहा धो के और सुखा के रख दिया है ताकि हम जितना आपका पोहा सूखा होगा उतना आपका पोहा अच्छे से बनेगा। अच्छे से उसे धोइएगा, फिर उसे सुखा के फिर कढ़ाई में डालिएगा। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, साथ ही हमने इसमें लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और हल्दी। अब हम सूखे मसालों को प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च के अंदर भून रहे हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं। अब हमारे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वाला मसाला भून चुका है अच्छे से। अब इधर हमने अपना पोहा डाल दिया, वो भी अच्छे से धोइएगा क्योंकि पोहे में मिट्टी होती है, और साथ में अच्छे से सुखा के फिर डालिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपका एक एक पोहे का दाना खिला हुआ बनेगा। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, गैस पे रख के फिर ढक के रख देंगे और गैस को बंद कर लेंगे। देखिए अब मैंने इसकी लगा ली है प्लेटिंग। अब हमने इसको सुंदर सी एक प्लेट में सजा लिया। आप देख सकते हैं कि मेरा पोहे का दाना एक एक दाना खिला हुआ बना है। आप भी इसी तरीके से पोहे को धोइएगा फिर सुखा के इसे डालिएगा। प्लीज़ पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।